पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाले के लिए बड़ा झटका है। दरअसल वेरिफिकेशन इसलिए कराया जाता है ताकि किसी भी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास पता चल सके और उसके मन में डर रहे कि उसका पूरा रिकॉर्ड पुलिस के पास है। लेकिन ये गिरोह तो ऐसा है जो नकली पुलिस वाले बनकर असली मोहर बनाकर पुलिस वेरिफिकेशन कर देते हैं। इस गिरोह का थाना एक्सप्रेस पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन गिरोहों की काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी। देखिए, इसकी सूचना हमारे एसीपी शब्या को मिली थी, तो उसने एक्सप्रेस वे से इस बारे में संपर्क किया और पहले एक बच्चे को उठाया गया था और जब उससे ज्यादा पूछताछ हुई तो उसने अपने 2 साथियों के और नाम बताए थे, जिसमें फिर इनके घर की तलाशी हुई, इनकी भी तलाशी ली गई, तो उससे ये पता चला कि ये फर्जी वेरिफिकेशन का पूरा धंधा चलाते हैं। इनके पास से मुहर, लैपटॉप, फॉर्म, रसीदें, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। सर, किस तरीके से वेरिफिकेशन करते थे, कितना अमाउंट ये लेते थे सर एक वेरिफिकेशन कराने के? देखिए, वैसे तो ये 50 रुपये की रसीद काटते थे देखने पर, लेकिन 400 रुपये करीब लेते थे उसकी फीस और उसका वेरिफिकेशन करते थे। इनका ऑफिस कहाँ था? ऑफिस इन्होंने अपने यहाँ मंगरौली में बना रखा था। सर, इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या सर पहले? पहले तो आपराधिक इतिहास इनका नहीं है और इस वजह से इनको पता नहीं चल पाया था। कितनी वेरिफिकेशन कर चुके हैं सर? ये करीब 1-1.5 साल से कर रहे हैं और हमें 130 फॉर्म, ये पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे थे कि पुलिस से जो प्रमाण पत्र मिलता है उसके लिए कर रहे थे वेरिफिकेशन। इनके पास कौन कौन सी मोहर बरामद हुई सर? इनके पास से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतम बुद्ध नगर की जो प्रभारी के रूप में है, जो उसकी मोहर लगाते थे वेरिफिकेशन करके, वो प्राप्त हुई है। सर, जहाँ से मोहर बनी गई, क्या आप वहाँ तक भी जाएंगे? किस मोहर बनाई? बिल्कुल, इनसे पूछताछ करके हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि ये मोहर बिना ऑथराइज लेटर के नहीं बनती है। इस बारे में भी हम जांच कर रहे हैं कि किसकी किसी मिली भगत थी और किसको सपोर्ट था इनका। लोग कैसे कांटेक्ट करते थे इनसे वेरिफिकेशन के लिए? ये खुद ही करते थे और इनके जानकारों के द्वारा वो आते थे लोग और उससे फिर ये वेरिफिकेशन करते थे। एक ही हाउसिंग सोसाइटी का मामला या और भी कई हाउसिंग सोसाइटी? अभी तो केवल एक ही का प्रकाश में आया है, बाकी और का हम पता कर रहे हैं कि और कोई किस्त मिला है, कि कितने बड़े स्तर पर। कितने पैसे लेते थे सर? कितने पैसे अब तक अर्निंग की होगी? देखिए, 50 रुपये की तो फीस काटते थे और बाकी 400 रुपये ये लेते थे। पर इनका कहना है कि 2 से 3 या 3-4 पर डे ही आते थे लगभग। कितने दिन में बनवा देते थे वेरिफिकेशन? कितने दिन में? तो बहुत जल्दी ही हो जाता था, क्योंकि सारे फार्म मुहर सब कुछ इन्हीं के पास था। सिर्फ मेड का ही वेरिफिकेशन कर रहे थे और कोई वेरिफिकेशन? अभी तो मेड का ही आया है, औरों का भी हम देख रहे हैं कि किसका किसका वेरिफिकेशन इन्होंने किया है। चोरी में इन्वॉल्व मिली है क्या? अभी तक तो अभी जांच में हमारे पास ऐसा नहीं आया है। सर, ये प्लान कहां से आया कि वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया इन्होंने? वेरिफिकेशन दरअसल क्या है कि जो डिमांड होती है, लोग नौकर रखते हैं तो सोचते हैं कि उसका वेरिफिकेशन हो जाए, और जो डुबियस होते हैं उनको लगता है कि कोई ऐसा वेरिफिकेशन मिल जाए कि जिससे हमें जॉब मिल जाए, तो उसका फिर ये उपयोग करते थे। ठीक है, थैंक यू सर। सर, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले पकड़े गए हैं, 3 लोग गिरफ्तार हैं, किस तरह ये स्टैम्प बना करते थे, क्या इनकी मसरत बन गई? देखिए, इन्होंने एक प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतम बुद्ध के नंबर से एक मुहर बना रखी थी, जिसको लगा करके और जो वेरिफिकेशन के प्रोफार्मे हैं उनको अपलोड करके और उस पर ये वेरिफिकेशन करके प्रमाण पत्र बनाते थे। सर, कब से ये काम कर रहे हैं? उनका कहना है कि लगभग 6 महीने से हम ये काम कर रहे थे। सर, इनका कुछ ऑफिस या कोई क्या कोई दुकान पर कहाँ इनको चल रही है? ये मंगरौली के रहने वाले हैं, वहीं अपने घर में सेक्टर 168 में जो पड़ता है वहीं पर ये काम करते थे। सर, कितनी फीस लिया करते थे? ये 50 रुपये की तो फेक रसीद बनाते थे, बाकी प्रोसेसिंग फीस 400 रुपये लेते थे। सर, कोई और भी इनमें टीम में है शामिल? इसके बारे में अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि और किन किन लोगों का इनको सपोर्ट था। सर, ये मोहरे बनाया करते थे वेरिफिकेशन मेड के अलावा और कौन सा किया करते थे? नहीं, और तो केवल अभी ये वेरिफिकेशन ही करते थे, जो लोग इनके पुलिस का प्रमाण पत्र चाहिए था उसका प्रमाण पत्र देते थे। सर, क्या क्या बरामद इनके पास? इनके पास से 3 लैपटॉप हैं, मुहर है, बहुत सारे प्रोफार्मे हैं, फार्म है, वेरिफिकेशन लेटर हैं, ये सारी चीजें बरामद हुई हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।